दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुधाकर लाइफ स्कूल से। लाइफ स्कूल मेरा फेसबुक पेज है जिस पर मैं अपने जीवन के अनुभव और अपने विचार आप सभी से साझा करता हूँ कि हम जिंदगी को कैसे जी सकते हैं उद्देश्यपूर्ण तरीके से। इसी कड़ी में आज एक टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जीवन में खुश सभी रहना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा खुशी से बीते। सबकी चाहत तो ये होती है, लेकिन इसके लिए प्रयास क्या करना होता है या खुशी मिलती कैसे है, इस चीज पर आज थोड़ा सा हम विचार करते हैं। खुश रहने के लिए मेरे हिसाब से पांच चीज़ें जरूरी हैं जिसे मैं खुशी के पंच सूत्र कहूँगा। इन पंच सूत्रों को आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है, जीवन में खुश रहने के लिए हमको अधिकतम से अधिकतम समय एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिवनेस बहुत जरूरी है जीवन में। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक्टिव रहते हैं, हमारी खुशी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। एक आलसी आदमी, एक निष्क्रिय आदमी जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता है। हम सभी के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में नॉर्मली एक एडल्ट कहिए 6 घंटे रात में सोता है, उसके अलावा उसके पास 18 घंटे दिन भर में होते हैं। उन 18 घंटों में जो आदमी जितना ज़्यादा समय तक एक्टिव रहेगा वो उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अगर कोई व्यक्ति 18 में 18 घंटे एक्टिव है तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स 10 out of 10 होगा, और अगर कोई व्यक्ति 18 घंटे में 9 घंटे एक्टिव है तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स जस्ट आधा 10 में 5 हो जाएगा। अब एक्टिवनेस को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप सवेरे जॉगिंग करते हैं, 20 मिनट की जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का अगर आप रेस्ट लेते हैं तो जॉगिंग के बाद रेस्ट लेने के लिए बैठना एक उद्देश्यपूर्ण काम है। तो आपका 20 मिनट का जॉगिंग और 10 मिनट का आपका रेस्ट दोनों ही एक्टिव टाइम कहलाएगा। लेकिन अगर आप सिंपली 2 घंटे 3 घंटे बैठ कर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्टिव टाइम नहीं कहलाएगा, वो पैसिव टाइम कहलाएगा। इसी प्रकार रात में डिनर के बाद अगर आप अपने छत पर 10 मिनट टहलते हैं तो आपको 10 मिनट टहलना भी एक्टिव टाइम कहलाएगा, क्योंकि उसका एक उद्देश्य है। खाने के बाद अगर हम रात के खाने के बाद 10 मिनट अगर हम टहलते हैं तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो भी हमारा एक्टिव टाइम होगा। लेकिन हम किसी चिंता में, अनावश्यक चिंता में छत में टहल रहे हैं, छत में घूम रहे हैं यूं ही आधे घंटे, तो हमारा एक्टिव टाइम नहीं होगा, पैसिव टाइम होगा। तो इस प्रकार से हमको अपना अधिकतम समय एक्टिवनेस के साथ गुजारना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में हैप्पी हो सकते हैं। दूसरी बात, खुशी का सीधा संबंध जो है सेटिस्फैक्शन से। तो लाइफ में सेटिस्फाइड कैसे रहें, कैसे संतुष्ट रहें? लाइफ में संतुष्ट रहने के लिए जो बात मुझे समझ आती है, हमें हर रोज अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए जीना चाहिए। अपने लिए कहने का मतलब, अपने लिए जीना मतलब इसमें मुझे 2-3 बातें समझ आती हैं। अपना स्वास्थ्य बेहतर रखें। अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए हमें हर रोज एक्सरसाइज के लिए कम से कम आधे घंटे का समय देना चाहिए। आधे घंटे का समय हमें योगा या मेडिटेशन के लिए देना चाहिए। इसके अलावा हमको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम संतुलित भोजन लें, क्योंकि अगर यह शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं। इसके अलावा अपने दिलो दिमाग को बेहतर रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए हमें हर रोज कोई एक मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहिए। कहते हो क्या, अपने लिए हम क्या करें, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को अपना समय दीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को दिया हुआ समय आपका सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है, और यह आपके परिवार के लिए तो उपयोगी है ही, आपको भी ये चीज़ खुश रखता है। आप अपने अपनी वाइफ को समय दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, घर के बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनको यथासंभव समय दीजिए, क्योंकि बुजुर्गों को अपना समय देना एक हिसाब से अपना ऋण चुकाने के समान है, रिपे करने के समान। इसके अलावा समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक लोक सेवक हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें। अगर आप किसी अन्य व्यवसाय में हैं तो कम से कम हफ्ते में कुछ घंटे लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अपना दें। अगर आप इन तीनों चीज़ों में संतुलन स्थापित करते हैं तो निश्चय ही आप अधिकतम खुश रहेंगे। तीसरी बात, दुख तो जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसको हम जितनी आसानी से समझ जाएं हम उतना ही खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। सुख और दुख तो जीवन का भाग है। सुख और दुख की सम्मिलित यात्रा ही जीवन कहलाती है।
हम इस बात को जितनी सरलता से एक्सेप्ट करेंगे कि सुख के बाद दुख तो आना ही है और दुख का समय भी एक न एक दिन बीत जाना है, तो हम उतना अच्छे से अपने कठिन समय को, दुख वाले समय को हम फेस कर पाएंगे और उससे बहुत जल्दी हम बाहर निकल पाएंगे। चौथी बात, आपसी मानवीय संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी खुशी की दृष्टि से। मानवीय संबंध बनेंगे कैसे? किसी के सुख में आप काम आए या ना आए, लेकिन दुख में आप जरूर किसी का सहारा बनिए। अपना कंधा किसी के अगर कोई रोता हुआ व्यक्ति है तो अपना कंधा उसे दीजिए, ताकि वह आपके कंधे पड़कर सुकून महसूस कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बात आपको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और संतुष्ट बनाती है। ये आप चौथी बात हुई। पांचवी और अंतिम बात, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना सीखें। कई बार हम अनावश्यक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कई बार आपसी संबंधों में कड़वाहट इस कारण आ जाती है कि हम एक अनुपयुक्त समय में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति, जो हमारा अपना ही नियर एंड डियर है, उसके मन में घाव कर देता है और उससे हमको हमेशा हमेशा के लिए हमारे और उनके बीच में एक दूरी आ जाती है। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना अगर हम सीख जाएं, गुस्सा कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये हम सीख जाएं, और हमेशा हर किसी को हम प्यार कैसे दे सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम सीख जाएं, अपने इमोशन को रेगुलेट करना सीख जाएं, तो इससे हमारी अपनी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो खुशी के पंच सूत्र थे। क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ। पहली बात, खुशी का एक्टिवनेस से सीधा संबंध है। दिन के 18 घंटे हम जितने देर एक्टिव रहेंगे, हम उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। खुशी का संबंध सेटिस्फैक्शन से है। सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? रोज अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए अपना समय दें। रोज संभव ना हो तो हर हफ्ते में कुछ घंटे जरूर दें, इससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। तीसरा, दुख और निराशा तो जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। सुख के बाद दुख का समय आना ही, और दुख का समय भी एक न एक दिन बीत जाना है। चौथा, मानवीय संबंधों को बनाने में, सुदृढ़ करने में अपना प्रयास लगाएं, अपना समय दें। किसी के दुख में जरूर काम आए, सुख के समय में अगर आप काम ना आ पाए तो कोई बात नहीं। इसके अलावा अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें, कब और कितनी मात्रा में हमको कहां पर गुस्सा करना है, कहां नहीं करना है, कहां अपने भावनाओं को किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है, ये बात अगर हम सीख जाए तो हम अपने जीवन में अधिकतम समय खुश रह सकते हैं। आशा है खुशी के ये पंच सूत्र आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगे। नमस्कार।